क्योंकि इसका जो कलर है और म्यूटेशन है बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरा एक ड्रीम था गोल्डियन पालूंगा आज पूरा हो रहा है ओनली फॉर अविनाश दा। नहीं नहीं ऐसे बात नहीं। फ्रेंड्स लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं उन लोगों को बोलूँगी मैं, ज़रूर आप जाके एक बार कोलकाता लाइवर्स को चैनल को सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखिएगा, और उस वहाँ पर बहुत सारे चीज़ जानने के लिए मिलता है। तो जो भी बात पालते हैं, जो भी शौकीन है, जो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो लोग अगर देखेंगे चैनल तो बहुत कुछ जान सकेंगे। तो मैं भी दादा के चैनल से जानती हूँ, तो आप लोगों को भी बोलेंगे फिर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कोलकाता लाइवर्स को। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। फिर से दादा दीदी रिनीसा आए हैं सेटअप पे, सबको वेलकम करेंगे और रिनीसा को कहेंगे, रिनीसा कैसे हो तुम? अच्छा हो। अच्छा, और बाट्स कैसा है? अच्छा है। अच्छा दीदी दादा कैसे है सब आप लोग? अभी तक तो ठीक ठाक ही है। अच्छा बाट्स कैसे है सब? बाट्स अभी तक ठीक ठाक ही है, कोशिश करते हैं बाट्स को ठीक ठाक लगने का। अच्छा, तो दादा दीदी आज आए हैं कुछ जावा और कुछ बज्जी से लेने का बात है, तो काफ़ी दिन से दादा दीदी ने बोल के रखे थे, आज फाइनली टाइम हुआ है हम सबका, तो बात देंगे। लेकिन उनसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दीदी का जो चैनल है, चैनल का नाम है, दीदी एक बार बोल दीजिए। हाँ, मेरा चैनल का नाम है बाट ज्वाइल्ड ऑफ रिनीसा, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा बाट ज्वाइल्ड ऑफ रिनीसा। तो इस चैनल पे दीदी का जितना भी बाट्स है उनका जो केयर करते हैं दीदी, हर दिन का एक्सपीरियंस नॉलेज दीदी शेयर करते हैं। रिसेंटली दीदी का सेटअप पे फॉक्स हुआ था लाभ बाट को, तो दीदी दादा काफ़ी केयरफुली उनको ट्रीटमेंट किया और उनको क्योर करके बाट्स को एकदम ठीक ठाक से उनको हेल्दी जगह पे लेके आए हैं। तो उनका वीडियो भी चैनल पे है, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा दीदी का, दादा का चैनल जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दीदी, काफ़ी नया नया चीज़ भी उधर दीदी दिखाते हैं, तो आप लोग को कहेंगे कि उधर से भी आप लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नॉलेज मिल जाएगा, एज ए बिगिनर एज ए न्यू फैंसियर आप लोग को काफ़ी कुछ दीदी से दादा से जानने को मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ रिनीसा, एक बार तुम अपना चैनल का नाम बता दो। इस साल आप लोग जावा स्टार्ट करना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास जावा नहीं है, तो मुझे काफ़ी शौक था बहुत दिनों से जावा लेने का, तो मैं जब बिगिनर थी, मैंने अभी भी मैं बिगिनर स्टेज में ही हूँ, तो मेरे पास बोधी का कॉलोनी है, तो कुछ मेरे ख्वाहिश है कि कुछ छोटा छोटा करके जावा का, छोटा केज में दो पेयर करके जावा रखने का, और होगोरोमो स्लिप का बच्चा लेने का। तो इसीलिए मैं दादा के पास आई हूँ आज, दादा को बोलते रखी थी मैं बहुत महीने पहले, दादा के सेटअप से लेंगे हम बाट। आज दीदी और भैया लेके जाएंगे एक दो प्यार, एक होगड़ोमो का स्प्लिट है और एक अपलाइन का प्यार है, और ये चार प्यार जावा, दो प्यार व्हाइट, दो प्यार सिल्वर है, और यहाँ पे नॉर्मल जेब्रा फिन एक प्यार दीदी को चाहिए था तो भी मैंने दिया हूँ, तो सारे बार आज दीदी का घर में जाएगा। तो दीदी को कहेंगे, दीदी बाट्स कैसा लगा? हाँ, बाट्स का हेल्थ तो बहुत अच्छा है। हाँ, जावा की साइज बहुत अच्छा है, जावा बोलिए फिंस बोलिए और जो बाजी से, हेल्थ बहुत अच्छा है, पसंद आया ना आपको? हाँ, बाट्स बहुत पसंद है। ठीक है दीदी साहब, कैसा लगा बाट्स आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, ठीक है। और दीदी आज का खाने में है राइस, बॉयल एग, चना, गाजर, क्यूकम्बर, सोसा और पालंग साग। तो और दो चार दिन के बाद पालंग साग मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि गर्मी आ गया है, तो पालंग साग का इस्तेमाल मैं बंद कर दूंगा। आज यही दूंगा गाजर, खीरा, चना, बॉयल एग और राइस और बीन्स। ये बीन्स इसको भी धोऊंगा, धो के सारे बार्स को ए आज प्रोवाइड करूंगा।
चनासिप फिंचिस और लबट को दूंगा इसे ग्रीट करके। मैंने दिखाया था किस फॉर्मेट में, मैं आपको देता हूँ उसी फॉर्मेट में सारा बार्ड्स को आज ये खाना प्रोवाइड करूँगा। ये सजना पत्ता फ्रेंड्स अभी सारे लबट को दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइम पे पॉक्स का चांसेस होता है, बार्ड्स बीमार होता है। ये अभी सर्दी जाके जो गर्मी आ रहा है इसके लिए ये सजने का पत्ता खास करके लबट को ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। तो मैं लेके आया हूँ आज सारे लबट को दूंगा। हाँ, वीकली एक दिन दो दिन करके आप दीजिए हर एक लबट को, तो लबट का पॉक्स बोलिए आई इन्फेक्शन बाद दूसरा जो डिजीज होता है लबट का वो होगा नहीं, फिर बाद एकदम ठीक से रहेगा। इसके लिए सजने पत्ता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस टाइम पर। तीन फ्रेंड आए हैं कोलकाता लबट के सब्सक्राइबर। हाँ, ये दादा जो है सुमन दादा, ये पिछले साल भी आए थे, होगड़ में लेके गए थे। हाँ, तो दादा बार्ड्स कैसा है, बीट कह रहा है? हाँ, सक्सेसफुल बीट मिला ना आपको जाग लेना। और आज आए हैं दादा लोग के साथ सिल्वर जावा लेने, दादा लोग के साथ सिल्वर जावा दो प्यार करके है, नीचे दो प्यार है और ऊपर दो प्यार है। अंदर कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर से मुँह निकल रहा था, एक तरह की चोट भी लग गया, इसका अंदर कर दिया। तो दादा लोग के बोलेंगे बार्ड्स कैसा लगा, आपको पसंद आया ना? थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, एक ब्लैक जावा आ गया फिर जो लग रहा है। एक सर फास्ट चिक्स है एल्बिनो का, जिसका चीज बाहर आ गया है। ऐसा ही इसका पेरेंट्स है, खिलाने के लिए नीचे आया है। तीन चिक निकल गया है और पियर पे बैठा है। फिर सारे चिक्स को फिर सेपरेट करेंगे, जितना भी चिक्स है सबको सेपरेट करेंगे, क्योंकि चिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस कॉलोनी में, अभी ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। जो मादर प्यार है या ब्रीडिंग प्यार है वो लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कुछ चिक्स को तो मैंने पकड़ लिया था पहले ही, इनको मैंने सेपरेट किया हूँ इधर, और जितना भी चिक्स है आज सबको फिर पकड़ लूँगा। मैंने पहले सोचा था किसी भी चिक्स को पकड़ेंगे नहीं, इधर ही रहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा चिक्स हो गया है अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ रेडाई का भी चिक्स आया है, मतलब एल्बिनो, उसको भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे फिर सारा चीज को।
या जितना भी देखिए सिल्वर व्हाइट हाँ दो तीन फोन भी है ले रहा है इनको मैंने सेपरेट किया हूँ और जिनका कलर आ चुका है व्हाइट ये सब मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये सारे चिक्स को मैं रेडी कर रहा हूँ नेक्स्ट साल में इस सीजन में इस ईयर पे जो सीजन आएगा तब मैं सारे बर्ड्स को रेडी करके इस कॉलोनी में सेट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही था जावा का प्रोग्रेस अभी तक का। तो मैं काफ़ी खुश हूँ प्रोग्रेस से ब्रीडिंग से। इस कॉलोनी में फिर और भी 40 या 50 ऐसे पेयर को मैं ऐड करूँगा और उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चिक्स मुझे मिल गया है मिल जाएगा तो मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉलोनी में जावा को रेडी करूँगा क्योंकि इस बार मुझे काफ़ी सारा जावा को ब्रीडिंग करना है क्योंकि ब्रीडिंग कराना है और काफ़ी सारा जावा को मुझे इंक्रीज करना है क्योंकि जावा काफ़ी अच्छा बर्ड है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग करता है। और कॉलोनी में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं जो कॉलोनी में ब्रीडिंग अच्छा नहीं होता है लेकिन आप लोग ही देखिए कॉलोनी का प्रोग्रेस। ठीक है, इससे अच्छा कॉलोनी से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, आप लोग भी क्या उम्मीद करेंगे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कॉलोनी में मेहनत काफ़ी कम होता है। सुबह मैं आता हूँ, सुबह आके इस पॉट में मैं पानी दे देता हूँ और थोड़ी देर बाद 9-10 बजे के बाद ये दो पॉट में सॉफ्ट फूड देता हूँ और शाम के टाइम थोड़ा सीप इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यही मेरा मेंटेनेंस है जावा का, सुबह 10-15 मिनट और शाम का 10-15 मिनट ही मुझे टाइम देना पड़ता है इस कॉलोनी में। तो उसी टाइम व उसी एफर्ट से अगर देखेंगे कॉलोनी में तो जो प्रोग्रेस है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है और मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इंडिविजुअल में प्रोग्रेस अच्छा मिलता है, 5-6 करके चिक्स मिलता है ये ठीक है फिर, लेकिन इंडिविजुअल केज में आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर भी देना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट भी देना पड़ता है। उसकी जगह पे कॉलोनी में कम मेंटेनेंस में कम टाइम दे के जो प्रोग्रेस मिल रहा है जो प्रोग्रेस मुझे मिला है अभी तक उसमें काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और इसी वजह से आगे जाके मैं इस कॉलोनी में और इस घर को एक घर काफ़ी बड़ा है फिर 120-130 पीआर का कैपेसिटी है मेरे हिसाब से और सुबह के टाइम एक खिड़की से एक दरवाजे से पूरा धूप आता है। अभी थोड़ा सर्दी है इसलिए मैं बंद कर दिया हूँ। तो ये जो रूम है बट जो टेम्परेचर है एटमोसफेयर है जावा के लिए सुइटेबल है और ब्रीडिंग देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आ रहा है। और इस हफ्ते इस साल मैंने नया सेट किया था तो ये बार नेक्स्ट ईयर पर और भी अच्छा ब्रीड करेगा ये उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कॉलोनी में जावा को ब्रीड करूँगा और ऊपर जो मेरा सेटअप बनेगा वहाँ पे भी मैं 2-4 छोटा कॉलोनी में करके जावा को ब्रीड कराऊँगा। नेक्स्ट प्रोग्रेस पे फिंचिस लव बर्ड ये सारे प्रोग्रेस के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।